एमसीयू में लोकी के कैरेक्टर को एक्चुअली में जितना पावरफुल दिखाना चाहिए उतना मार्वल वाले कभी उसे दिखाए नहीं है। भाई वो एजगार्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विच से मैजिक सीखा है और वो भी कई हजारों साल पहले, बट फिर भी अर्थ का एक जादूगर जो कि नया है वो लोकी को अपने स्पेल में फंसा देता है। सो हाई गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ द ईगर वॉचर। इस वीडियो में हम लोकी के 5 ऐसे सुपर पावर्स की बात करेंगे जिनको या तो मूवीज में थोड़ा सा ही दिखाया गया है या फिर पूरी तरह से दिखाया ही नहीं गया है। फिजिकल कॉपीज। सबसे पहले पावर ये है कि वो अपने खुद के बॉडीज का फिजिकल कॉपीज क्रिएट कर सकता है। फिजिकल कॉपीज का मतलब वो अपने शरीर के कॉपीज बना सकता है जिसे वो छू सकता है और उसके ऊपर सारे कॉपीज मिल बांट के सब अटैक भी कर सकते हैं। ये पावर मूवी में खाली एक बार ही दिखाया गया है, थॉर 1 में, जहां पे बायफ्रॉस्ट के ऊपर थॉर और लोकी लड़ रहे होते हैं। दूसरा पावर है टेलीकाइनेसिस। इसका मतलब बिना छुए चीजों को मूव करना, बिल्कुल क्रिस 3 के काल की तरह। और मजे की बात यह है कि इस पावर को मार्वल मूवीज में दिखाया गया है। थॉर द डार्क वर्ल्ड के सीन में जब उसके मदर की डेथ होती है तो वो फ्रस्ट्रेशन में लोकी अपने चैम्बर के अंदर सारे चीजों को उड़ा देता है। हाँ, इस सीन में वो कोई एनर्जी को एमिट नहीं करता, सिर्फ उसके मूवमेंट से ही चीजें उड़ जाती हैं। तीसरा पावर है माइंड रीडिंग या टेलीपैथी। ये पावर भी मूवी में बस एक ही बार ही दिखाया गया है। थॉर रैग्नारोक में लोकी जब वैल्कैरी का सिर पकड़ता है तब उसे उसके सारे पास्ट पता चल जाते हैं। बट शायद इस पावर में एक फॉल्ट है, क्योंकि अगर लोकी को किसी के दिमाग में झांकना है तो उसे उस आदमी को छूना पड़ता है। चौथा पावर है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। हाँ, ये हर कोई नॉर्मल जादूगर कर सकता है, बट लोकी शायद अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन और अपने फिजिकल बॉडी दोनों को एक साथ यूज कर सकता है। उसकी ये एबिलिटी हमें एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था और दूसरी बार थॉर रैग्नारोक में दिखाया गया था जब वो थॉर से प्रिजन के अंदर बात कर रहा था। ये जो आखिरी पावर है ना, ये मूवीज में तो कभी दिखाया नहीं गया है, बट कॉमिक्स में लोकी ने इस पावर को बहुत बार यूज किया है। आखिरी पावर है टाइम ट्रेवल या वक्त में आगे या पीछे जा पाना। ये पावर असल में किंग लोकी के कॉमिक्स में लोकी बहुत बार यूज कर चुका है। वो बहुत बार टाइम में पीछे जाके अपने यंगर सेल्फ पे नजर रखता था। लोकी के अपकमिंग सीरीज में हमें बहुत सारे टाइम ट्रेवल दिखेंगे, तो इससे लोकी के इस पावर के बारे में कुछ हिंट मिल सकता है। सो ये 5 पावर्स अगर वो एमसीयू में यूटिलाइज करेगा तो वो अपने फिजिकल कॉपी से खुद की आर्मी बना सकता है। उसके ऊपर कॉमिक वर्स में वो अपने हाथों से 20 टन वजन उठा पाता था, तो आप सोच लो कि टेलीकाइनेसिस में वो क्या क्या तबाही मचा सकता है। और अगर टेलीपैथी की बात आए तो छोड़ ही दो। और आपको लोकी के कौन से पावर्स देखने हैं कॉमेंट्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक विद अ न्यू वन। अंटिल देन, लव ऑल, रेस्पेक्ट ऑल। दिस इज ईगर वॉचर, पीस आउट।